हेलो गाइस, वेलकम टू वी रेप्स। मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हमारे पास आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इसको हम पीपीएफ करने वाले, ऑलरेडी हम एक स्कॉर्पियो एन पीपीएफ कर चुके हैं। ये हमारे सेकंड कार है, उसका हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। इस कार का पूरा वीडियो शूट करने वाले, डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा। इस पर कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसा पीपीएफ रहेगा, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, सारा कुछ आपको वीडियो में बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार पीपीएफ करने से पहले हम इसको वॉशिंग करवाने वाले हैं। नॉर्मल वॉश से इसका काम नहीं होता, क्योंकि जो इसके डीप एजेज होते हैं, लाइक ये जो पार्ट्स के जॉइंट होते हैं, इनके अंदर डस्ट मिट्टी फंसी होती है, इनको बहुत अच्छे से निकालना जरूरी होता है। तो इसको हम बहुत डिटेल्ड वॉश करवाने वाले हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो पीपीएफ करते हैं, उनके पास इन हाउस वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास भी फैसिलिटी नहीं है, तो हम भी आउटसोर्स से वॉशिंग करवाते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको वॉशिंग करवाते हैं। कार वॉशिंग करने के बाद में हमें ये चेक करना होता है कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स एसेसरीज हमें रिमूव करने हैं, लाइक डोर हैंडल्स रिमूव करना मस्ट है, एंड कुछ ऐसे एसेसरीज जो बाहर से स्टोर से लगवाई होती है उनको भी रिमूव करना चाहिए। कंपनी स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी ऑफ एसयूवी बोलती है। तो जो लोग इस गाड़ी को ऑन करते हैं उनको ये चीज़ फील नहीं होगी, और जो इस पर पीपीएफ करने वाले हैं उनको फील होने वाली है कि ये बिग डैडी किस तरीके से है। इसके पार्ट्स का मेजरमेंट बहुत बड़ा है, जिसका क्वार्टर पैनल पिलर एक साथ लेना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा पीस एक साथ लग रहा है इसके अंदर।
हम इसका क्वार्टर पैनल, पिलर एंड दोनों साइड डोर ये पीपीएफ कर चुके हैं। एंड अब इसका जो पीछे का हिस्सा है, बूट का जो डोर है, इसको पीपीएफ करने वाले हैं। इसके ऊपर एक ये स्ट्रिप लगी होती है, डिग्गी के जो पोर्शन है इसके ऊपर स्ट्रिप लगी होती है, इसको बिल्कुल से आप रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वीएचपी से लगी नहीं होती, सिर्फ ब्लॉक्स पे लगी है, तो इसके अंदर बहुत सी मिट्टी, डस्ट वगैरह है वो आती रहती है। तो ये जो पीस करोगे डिग्गी वाला आप, तो यहाँ मिट्टी आने का चांसेस रहेगा, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऐसे लॉक लगे हुए हैं, डबल टेप बिल्कुल थोड़ी सी लगी है लास्ट एज पे ओनली, ये ऐसे लॉक हैं, ये तो इजी रिमूव हो जाएंगे। ये रिमूव कर लेना ताकि ये पोर्शन ख़राब ना हो। पीछे के डोर पे जो स्कॉर्पियो एन और ये दो बेजिंग लगे हुए हैं, इनको हम रिमूव नहीं कर रहे। बहुत से लोग बोलते हैं कि इनको रिमूव नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो कट करते हैं पीपीएफ का, तो उसमें मिट्टी, डस्ट वगैरह फंसने का डर रहता है और वो वहाँ से पील ऑफ होने लगता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। हम इसको बिल्कुल यहाँ से इसको एज को सील कर देते हैं, तो ये आगे से पील ऑफ नहीं होता। एंड जो प्रीमियम पीपीएफ आती है, बहुत महंगी कंपनियों की आती हैं, जिनके प्रीकट्स आते हैं, तो बेजिंग का प्रीकट उनके साथ में आता है, तो उनको भी सील करना पड़ता है, उनमें वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको हम अच्छे से सील करेंगे तो इसमें भी वो दिक्कत आने वाली नहीं है। यदि यहाँ से कट किया ओपन और इसको सील नहीं किया आपने, सॉल्यूशन से सील नहीं किया, तो उठने का डर रहेगा, लेकिन सील कर दिया तो फिर वो उसका चांस नहीं रहता यहाँ से पील ऑफ होने का।
वेल गाइज, कार पूरी पीपीएफ हो चुकी है, आउटर ग्लोस बॉडी एंड रूफ हमने पीपीएफ करी है। बात करते हैं मटेरियल की, तो हम किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट नहीं करते हैं। हमने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है टीपीयू मटेरियल एंड थिकनेस है 190 माइक्रोन। एंड इसके अलावा हम इसको 5 साल वारंटी कवर करते हैं, 5 ईयर्स वारंटी के अंदर हम कवर करते हैं नॉन येलोइंग एंड नॉन क्रैकिंग, क्रैक मार्क्स नहीं आएंगे और येलो नहीं पड़ेगा, ये हम वारंटी में कवर करते हैं। कोई भी पार्ट डैमेज होता है, एक्सीडेंटल डैमेज होता है, वो वारंटी में कवर नहीं होता। इसके एडिशनल 1 ईयर वारंटी हम ये कवर करते हैं, किसी भी एज से यदि पीपीएफ 1 ईयर तक उखड़ता है, पील ऑफ होता है अपने आप, हम उसको ठीक करके देंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की। कार पीपीएफ होने के 48 घंटे तक इसको प्रेशर वाटर से वॉश नहीं करना, नॉर्मल फ्लोइंग वाटर से वॉश करना है, बोरवेल वाटर पानी यूज़ नहीं करना इसके ऊपर। एंड बेड ड्रॉप्स कहीं गिर जाए तो उसको 12 घंटे के अंदर अंदर उसको रिमूव कर देना, अदरवाइज वो उसको डैमेज, हल्का डैमेज करता है।